मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल साई एकेडमी फॉरवर्ड में, जिसका हमें इंतजार था कि एनटीए सीयूसीटी के लिए हमें एक सर्कुलर इशू करने वाला है। वो सर्कुलर आ चुका है, ऑफिशियली एनटीए की साइट पे ही आपको मिल जाएगा। मैं आपके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हमने सोचा था कि काफी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी, काफी चीजों की क्लैरिटी हो गई, लेकिन कुछ चीजों के लिए एनटीए ने हमें सच्ची में चूहा बना दिया है इस बारी सीयूसीटी के कारण। चूहे का मतलब हो गया कि कोई भी चीज सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करी जाती है तो कहाँ करी जाती है भाई, किसके ऊपर करी जाती है? वो करी जाती है चूहे के ऊपर। तो 2021-22 वाला बैच भी लगभग लगभग इस बार इन्होंने यही डिसाइड किया है, क्योंकि अभी 1 महीना 2 महीना रहता है जिसमें हमें सीबीएसई पेपर भी देना है और सीयूसीटी का पेपर भी देना है, और क्लैरिटी हमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं है सारी चीजों की। चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या बोला है एनटीए ने अपने सर्कुलर में। सीयूसीटी एग्जाम होने वाला है ये सबको पता है, ठीक है। सिंगल विंडो ओपन रहने वाली है ये हम बता चुके हैं सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। और डीम चाहे या प्राइवेट या स्टेट चाहे वो अलग से हो सकता है उसके ऊपर कि वो इसके स्कूल पे आपको एडमिशन दे सकती है अगर वो डिसाइड करेगी तो। कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है ये हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, और फॉर्म जो अवेलेबल रहेंगे वो 2 अप्रैल से रहने वाले हैं। मैंने 1 अप्रैल से बोला था आपको, लेकिन यहाँ पे 2 अप्रैल से इन्होंने विंडो दी है। कब तक? 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके पास विंडो ओपन रहने वाली है। आपको ऑनलाइन मोड में इसको फॉर्म को फिल करना है। आगे देख लेते हैं, हमने बताया था आपके पास यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेजेज है, मैंने डिटेल शेयर कर रखी है कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको करनी है, कोई एक इसमें से सिलेक्ट करनी है। 1B में 19 लैंग्वेजेज है जो Shift 2 का पेपर होने वाला है, ठीक है। 27 डोमेन से कम 2 से लेके 6 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 3 के अंदर आपके होने वाला है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सेक्शन 1 है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। 1B में 19 लैंग्वेज में से एनी अदर लैंग्वेज, इन 13 के अलावा कोई अदर चूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, अगर आप इसका देना चाहेंगे, क्योंकि कंपलसरी नहीं है सबके लिए। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, 40 क्वेश्चन लैंग्वेज में से आएगी जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रेहेंसिव पैसेज एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ये सारी बेसिक फंडा उस लैंग्वेज का आपसे क्लियर करवाया जाएगा। तो लैंग्वेज पे आपको काफी ध्यान देना है क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम जो मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे चाहे आपको डोमेन का देना हो चाहे लैंग्वेज का देना हो, आपको अप्रोक्सीमेट 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए डोमेन 27 सब्जेक्ट जो डोमेन के है, डोमेन का मतलब हो गया आप साइंस स्ट्रीम के, आप कॉमर्स स्ट्रीम के, आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, इसमें से 27 सब्जेक्ट उन्होंने चूज की है, उसके अंदर के जो एग्जाम आपको देना है 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड टोटल होगा आपके पास, और कहाँ से होगा ये भी हम कंफर्म कर चुके हैं कि क्लास 12, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर क्लास 11th भी होगा कि नहीं होगा, क्लास 12th से होने वाला है। तो आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं थी, कोई स्टेट बोर्ड का था, वो आज ही एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दे। उसके टॉपिक आपने कर रखे होंगे, लेकिन आपको अच्छे से एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि क्लास 12th में कुछ टॉपिक ऐसे रिलेटेड होते हैं क्लास 11th से, तो क्लास 11th का कौन कौन सा टॉपिक करना पड़ेगा हमें, वो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज। लेकिन आपको अभी क्लास 12th करनी है बहुत अच्छे से। 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स मिलने वाले, मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट 1 मिनट ही मिलना है हमें। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, अब ये जनरल टेस्ट जो है ये बहुत काम खराब करने वाला है बच्चों का। डोमेन चल जाएगा, लैंग्वेज चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम कम है हमारे पास, अभी हमें 12th के एग्जाम भी देने हैं, और 12th में हमें मिनिमम क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है, और हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है जिसमें हम बोर्ड भी दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से? 75 में से। अगर आप यहाँ पे एक बात ध्यान से पढ़े तो जरा देखिए,
फॉर एनी सच यूजी प्रोग्राम प्रोग्राम बी ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीन यूज फॉर एडमिशन। ये सारी बात छोड़ी गई है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे वो ना तो लैंग्वेज के मार्क्स कंसीडर करेगी यहाँ पे आपके, ना डोमेन के मार्क्स कंसीडर कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के यहाँ पे आपको एडमिशन दे सकती है अगर वो चाहे। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि जब भी मैं फॉर्म फिल करने बैठूंगा CUCET का, तो मुझे जिस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है मैं उसकी साइट पे जाऊंगा। वहां पे पहले जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसका क्राइटेरिया चेक करूंगा कि वो डोमेन सब्जेक्ट चाह रहा है और डोमेन में कौन से सब्जेक्ट चाह रहा है। जैसे कि मुझे करना था BSc, तो BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारे पास होना चाहिए। तो बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स कंसीडर करना चाह रहे हैं या कि वो जनरल टेस्ट के मार्क्स कंसीडर करना चाह रहे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। मुझे करना है BA इन पॉलिटिकल साइंस। अब बहुत सारे बच्चों की क्वारी है कि स्ट्रीम चेंज तो कर लेंगे हम, लेकिन स्ट्रीम चेंज करने के लिए हमें डोमेन के कौन से पेपर देने पड़ेंगे, जब जनरल टेस्ट से भी हो जाएगा। तो वो आपको आपको लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे आफ्टर 2 अप्रैल। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको अपने कोर्स और अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके हर चीज को बहुत आराम से चेक करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, 13 लैंग्वेज, ये शेयर मैंने पहले भी करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास सामने दे रखी है। 19 लैंग्वेजेस जो अलग अलग लैंग्वेजेस, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली, ये उनके लिए सेकेंड शिफ्ट का टेस्ट जो किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे BA इन फ्रेंच करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इसका पेपर और जनरल टेस्ट के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा इस बात का कि वो आपको इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये सारे आपको दे रखे हैं, अकाउंटेंसी है, बायो बायोलॉजिक स्टडी एक ही बात है, बायोटेक्निक बायो केमिस्ट्री ये एक ही में कंसिडर किया गया, बिजनेस स्टडी केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस IP होम साइंस नॉलेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया लीगल स्टडी, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज, एक कहाँ पे, एक रहेगी पहले वाले शिफ्ट में और 1A वाले पेपर में। सेक्शन 1B में 2 आप ले सकते हो, वन ऑफ द लैंग्वेज चूज नीड टू बी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। सेक्शन 2, 27 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। मैंने बताया था 27 में से कितने सब्जेक्ट 6 कर सकते हैं, 2 तो पहले वाले में रहेंगे और 4 शिफ्ट 2 वाले में रहेंगे अगर शिफ्ट 2 का एग्जाम देंगे अगर आप। तो सेक्शन 3 में हमारे पास क्या रहने वाला है, जनरल टेस्ट रहने वाला है। चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 1B, 1A और 1B को मिला के 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में से मैक्सिमम 6 कर सकते हैं, पहले वाले में 2 है इसमें 4 कर सकते हैं। जनरल टेस्ट सेक्शन 3, द कैंडिडेट मस्ट एफर्ट टू द रिक्वायरमेंट फॉर हिज हर इंटेंटेड यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं आप। तो ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज के स्कोर कंसिडर करती है, इसी के बिहाफ पे एडमिशन दे दे जाए, इसके बिहाफ पे ना दे। तो आपको यूनिवर्सिटी की साइड पे, इसलिए मैंने कहा था कि NTA ने हमें एक चूहा एक्सपेरिमेंट बना दिया है, एक कॉमन काउंसलिंग होने नहीं वाली जिसमें आपको एक ही पैटर्न से हो, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, जैसे JEE और NEET के अकॉर्डिंग होती है वैसे नहीं होगी। मीडियम मैंने आपको बता दिया 13 लैंग्वेजेस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सेक्शन 1 एंड 2 का बता दिया मैंने आपको। सिलेबस हमारे पास क्या रहने वाला है भैया, उसका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एंड अर्थमेटिक अलजेब्रिक ज्योमेट्री मैनिपुलेशन स्टैट टॉट टिल ग्रेड 8, ग्रेड 8 तक का जनरल मैथ्स रहने वाला है। मतलब कि क्वांटिटेटिव हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, मतलब मैथ्स बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, चाहे बेसिक मैथ्स ही हो लेकिन उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स और वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज रहने वाली है इसकी। ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली, ध्यान देने वाली बात है। स्टूडेंट हैविंग
स्टडी क्लास ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू इन CUCET प्रोग्राम 2022 ट्वेल्थ का सिलेबस कंसीडर किया जाएगा आपके पास। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ एनी यूनिवर्सिटी, ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चों की क्वायरी थी ये, एनी यूनिवर्सिटी परमिटेड स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास ट्वेल्व, ड्रॉपर अगर कोई बच्चा है, अगर यूनिवर्सिटी परमिट करेगी टू टेक एडमिशन इन करंट ईयर ऑल्सो, सच स्टूडेंट वुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपेयर इन CUCET, आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे ही मिलने वाली है ये इंफॉर्मेशन कि वो ड्रॉपर्स को लेगी कि नहीं लेगी। चूज ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, जनरली द लैंग्वेज सब्जेक्ट चूजन शुड बी वंस डेट स्टूडेंट हैड ऑप्टेड इन हिज लेटेस्ट क्लास क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। If any university permit any flexibility in this regard, the same can be exercised under CUET UG 2022 also. फिर से यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अरे भाई कितनी 45 यूनिवर्सिटी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, स्टेट और डीम्ड अलग हो गई, तो भैया मैं कितनी साइट्स पे जाऊंगा? इसका मतलब तो ये है कि आपको सिर्फ दो यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है, तीन कर लेना, किसका कॉमन पैटर्न है उस कोर्स का, उस यूनिवर्सिटीज का, उनके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है ध्यान रखते हुए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड्स, देखा वही बात बार बार आ गई कि आपको यूनिवर्सिटी को ध्यान रखना है। इन सब्जेक्ट टू स्टडी इन यूजी कोर्स इज नॉट अवेलेबल लिस्ट ऑफ 27 डोमेन स्पेसिफाइड बीइंग ऑफर्ड, द कैंडिडेट में चूज द सब्जेक्ट चूज क्लोजर टू हिज चॉइस। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका, आपके पास था लेकिन वहाँ नहीं है, तो आप उसके एग्जाम्पल देखिए, बायोकेमिस्ट्री द कैंडिडेट में चूज बायोलॉजी, वो बायोलॉजी चूज कर सकते हैं। आपके बायोकेमिस्ट्री था लेकिन नहीं मिल रहा उसमें, तो आप बायो लेंगे उसका, ठीक है। सबसे अच्छी सर्कुलर की एक ही बात रही, चलो सब्जेक्ट क्लियरिटी हो गई थोड़ी सी, कि मुझे जनरल एबिलिटी में जनरल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं, ये हमारे पास आ गया है, और कितने क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं, कितने अटेम्प्ट करने वाले, ये सबसे अच्छी बात क्लियर होगी। बाकी हमें यूनिवर्सिटी की साइट पे ही सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, तो हमें MCQ है, जनरल नॉलेज है, ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, इस पर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ। और नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सब तक ये जरूर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए।